हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का चैप्टर 3, इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या इशू है, क्या क्या समस्या है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी, क्या किसका टॉपिक का बात कर रहे हैं? इश्यूज इन इंडियन इकोनॉमी मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या समस्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में समस्या क्या क्या है। तो कुछ इशू का नाम दिए हुए हैं इशूज इन इंडियन इकोनॉमी। पहला समस्या अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार। हमारे देश में बेरोजगारी का रेट जो है ज़्यादा है, तो उसको काम नहीं मिल पा रहा है। तो मन जो बच्चे अभी यंग हो रहे हैं उनको काम नहीं मिल पा रहा है, ये समस्या। पॉवर्टी, बहुत बहुत ज़्यादा हम लोग का जो देश का जनसंख्या है वो गरीबी रेखा के नीचे है, गरीब है, पॉवर्टी। इन्फ्लेशन, महंगाई तो बढ़ ही रहा है हर साल, प्राइज बढ़ना चाहिए 4% से, लेकिन यहाँ बढ़ रहा है 10% से। तो इन्फ्लेशन है, राइजिंग प्राइजेज, जो कि परचेजिंग पावर पे इम्पैक्ट डालता है। फिजिकल डेफिसिट, हर साल सरकार घाटे का बजट निकालता है, बजट में गैप आ जाता है। सरकार कहता है कि बनाए थे 1000 करोड़, खर्चा हो गया 1500 करोड़। माने बजट कमाने का था 1000 करोड़, मैंने पैसा कमाई होगा 1000 करोड़, और हमने खर्चा कर दिया 1500 करोड़। कितना हो गया माइनस में? 500। इसको हम कहते हैं फिजिकल डेफिसिट, हर साल बजट में घाटा आ जाता है। ये हमारे देश के स्टेबिलिटी पे क्या करता, असर डालता है। करेंट अकाउंट डेफिसिट, दूसरा देशों से जो लेन देन होता है ना उसका ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है करेंट अकाउंट में, तो वहाँ पे कम ये जाता है, करेंट अकाउंट बैलेंस नहीं हो पाता है, ट्रेडिंग बैलेंस रह जाता है। मतलब हम लोगों को ज़्यादा एक्सपोर्ट करने से करेंट अकाउंट सरप्लस में रहेगा, और इम्पोर्ट करेंगे तो करेंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। इम्पोर्ट मैंने दूसरा देश से खरीदेंगे और एक्सपोर्ट मैंने दूसरा देश को बेचेंगे, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, ये समस्या है। करप्शन बहुत ज़्यादा है, करप्शन, वाइड स्प्रेड ग्राफ्ट हिंडरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि पर असर रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैंने प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है, ये समस्या है। एजुकेशन, जिस क्वालिटी का एजुकेशन मिलना चाहिए, जिस लेवल पर मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, ये दिक्कत है। जो मिल रहा है उसको लोग ले नहीं रहे, जो मिल भी रहा है उसको ले नहीं रहे, दिक्कत होती है। हेल्थ केयर, हमारे देश का इनएडिक्वेट हेल्थ केयर है, माने हॉस्पिटल सफिशियंट नहीं है। हॉस्पिटल है तो उसमें प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर ढंग से लोग काम नहीं करते हैं, स्टाफ का कमी है, डॉक्टर का कमी है। इन्वायरमेंटल इशू, पोल्यूशन का भी तो चैलेंजेज है, क्लाइमेट तो चेंज होता है, जैसे अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अभी दिवाली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इनकम इनक्वालिटी, अमीर और गरीब के बीच बहुत डिफरेंस है, अमीर इस लेवल पर है तो गरीब पूरा एकदम नीचे तबका है, उतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उतना डिफरेंस हो रहा मैंने प्रॉब्लम है। समझ पा रहे, अमीरी और गरीबी में बहुत ज़्यादा अंतर है। एग्रीकल्चरल चैलेंज, खेती बाड़ी का भी चैलेंजेज आ जा रहा, लो प्रोडक्टिविटी हो रहा है, जितना फसल होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, ड्राफ्ट पर जा रहा, सूखा पर जा रहा है, फार्मर डिस्ट्रेस हो जा रहा है, मैंने खेती नहीं करना चाहते, दुखी हो जाते हैं, ये सब प्रॉब्लम है। ये सर तो क्या क्या प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट, करप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल इशू, इनकम इनक्वालिटी, एग्रीकल्चर चैलेंज, ये प्रॉब्लम आप फटाफट लिख देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, फिजिकल डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट, करप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल इशू, इनकम इनक्वालिटी, एग्रीकल्चर चैलेंज, फटाफट लिख देंगे, क्लियर। अब आता अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आगे ही बोल दिया, बेरोजगारी, काम नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू लैक ऑफ जॉब, जब जॉब का कमी रहेगा, काम आपके पास नहीं रहेगा, तो आपको हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट है। समझ रहे, ये दो तरीका का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक होता है वॉलेंट्री और एक होता है इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मैंने होता है इच्छा से आप बेरोजगार हैं, मैंने काम मिल रहा है लेकिन आप काम नहीं कर रहे हैं, और एक होता है इनवॉलेंट्री, हमको काम ही नहीं मिल रहा, काम खोज रहे लेकिन हमको काम नहीं मिल रहा, इसको कहते हैं इनवॉलेंट्री। तो अनएम्प्लॉयमेंट दो तरीका का, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, कितना लोग काम नहीं करना चाहता है वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा,
और कितना लोग काम करना चाहता है लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा। तो प्रॉब्लम्स क्या होगा, अगर बेरोजगारी होगा तो बहुत प्रॉब्लम है, अगर बेरोजगारी हो जाए तो देश में बहुत प्रॉब्लम है, सरकार को कोई टेंशन का घर है, इसलिए सरकार ज़्यादा बेरोजगारी होने नहीं देता है। ज़्यादा बेरोजगारी होगा ना तो देश में बहुत आफत आ जाएगा, समझ रहे। तो बेरोजगारी तो है बट थोड़ा कम लेवल पर है, अगर उसको सरकार नहीं सॉल्व कर पाया तो देश में भूचाल आ जाएगा। क्या क्या प्रॉब्लम आएगी देखते हैं, अगर बेरोजगारी हुआ तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हो जाएगा, आर्थिक मंदी आ जाएगा देश में, काम ही नहीं है तब तो बेरोजगार है लोग, काम नहीं है तब ना बेरोजगार है। सोशल अनरेस्ट, समाज में असंतुष्ट लोग हो जाएंगे, असंतुष्ट सरकार के प्रति विरोध प्रदर्शन कर लोग खुश नहीं रहेंगे, सोशल अनरेस्ट, पॉवर्टी, गरीबी चरम सीमा पर चढ़ जाएगा, गरीबी आ जाएगा, डिक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, भाई पैसे नहीं है तो खरीदेगा कहाँ से, नहीं खरीदेगा, खर्चा नहीं करेगा, स्किल लॉस, किसी को कुछ आता भी है लेकिन काम नहीं मिला तो वो लॉस हो जाएगा, कुछ एक्सपर्ट है उसको काम नहीं मिला तो उसका हानि हो जाएगा। अगर स्किल लॉस भी तो होता है, हमको मान लो गाड़ी चलाने आता, गाड़ी चलाना मिल ही नहीं रहा, मेरा तो स्किल लॉस ही हो जाएगा ना। मेंटल हेल्थ लोग का दिमागी तौर पर असर होता है, भाई बेरोजगार है तो उसको हमेशा मन मिजाज खराब रहेगा, मेंटल हेल्थ इशू हो जाएगा, क्राइम बढ़ जाएगा, काम नहीं है तो क्या करेगा, चिंता ही करेगा, चोरी करेगा, डाका डालेगा, क्राइम बढ़ जाएगा, सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, आप माल बताओ पैसा रहेगा तब ना किनेगा तो सरकार को टैक्स मिलेगा, कमाएगा तब ना सरकार को टैक्स देगा, तो बेरोजगार है कहाँ से देगा टैक्स, डिक्रीज टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का उल्टा खर्चा बढ़ जाएगा, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाएगा, कहाँ बढ़ जाएगा, समाज में इतना क्राइम बढ़ जाएगा तो उसको रोकना भी तो पड़ेगा, प्रशासन भी तो लगाना होगा, तो उसमें पैसा लगेगा, फ्री में प्रशासन थोड़े काम करेगा, अब सबको काम रहेगा तो ये सब चिंता ही नहीं होगा। मान लो सामान किन जा रहा, कोई छीन लिया, मार दिया, तो पुलिस को पुलिस प्रोटेक्शन तो देना होगा सरकार को, तो उसमें खर्चा लगता है। ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट, जिसको जो आता है उसको हम यूज नहीं कर रहे तो उसका जो भी संसाधन है माने उसके अंदर जो भी स्किल है वेस्ट हो जाएगा, ये समस्या होती है, बहुत भारी गंभीर समस्या है, इसलिए सरकार इस पर ध्यान देता है, अनएम्प्लॉयमेंट होने नहीं देता पूरा, समझ पा रहे, अनएम्प्लॉयमेंट पूरा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा देश में, समझ रहे। अरे थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट है तो इतना दिक्कत है, पूरा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो क्या परिस्थिति हो जाएगा, समझ में आ रहा। तो पहला क्या भाई, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हो जाएगा, सोशल अनरेस्ट, सामाजिक असंतुष्टता फैल जाएगा, लोग गरीब हो जाएंगे, खर्च लोग कम करेगा तो सरकार को टैक्स कहाँ से मिलेगा, स्किल लॉस, लोगों को जो आता है वो लॉस हो जाएगा, मेंटल हेल्थ इशू, मानसिक तौर से बीमार हो जाएंगे, क्राइम बढ़ जाएगा, इंक्रीज क्राइम रेट, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स कम हो जाएगा, सरकार का कमाई कम हो जाएगा, गवर्नमेंट का खर्च बढ़ जाएगा, और ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट, जो भी लोगों को आता है वो चीज़ खत्म हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। अब क्या कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का, बेरोजगारी का क्या कारण है, देश में इकोनॉमिक डाउनटर्न है, आर्थिक मंदी है, आर्थिक मंदी है तो कहाँ से काम देगा, कोई काम रहेगा तब तो काम देगा, जैसे कोरोना में बहुत लोगों का काम छूटा था ना, क्या छूटा था, इकोनॉमिक डाउनटर्न था, लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, जो शिक्षा चाहिए वो नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, स्किल नहीं है उसके पास तो काम कहाँ से मिलेगा, पढ़ा लिखा रहेगा तब तो काम मिलेगा, स्किल जो चाहिए हमको वो चीज़ सिखा रहेगा तब ना उसको काम मिलेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है भाई, सबको काम देना दिक्कत है, करप्शन तो है ही देश में, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, जितना टेक्नोलॉजी आते जा रहा है लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं, क्या कहते 10 आदमी का काम तो टेक्नोलॉजी अकेला कर देगा, जहाँ 10 आदमी का काम था वहाँ 2 आदमी संभाल लेगा, तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट आ गया, गवर्नमेंट का पॉलिसी के कारण भी लोग बेरोजगार होते, कभी कभी गवर्नमेंट का पॉलिसी सही नहीं करता, नीति सही नहीं रहता है, पहले बार बार देखिए गवर्नमेंट पॉलिसी ना, क्लियर। तो ये कारण है, किसका कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट, किसका कारण है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहला क्या कारण है भाई, इकोनॉमिक डाउनटर्न, दूसरा क्या कारण है, लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल, तीसरा क्या कारण है, पॉपुलेशन ग्रोथ, चौथा क्या है, करप्शन, पांचवा क्या है, ऑटोमेशन है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, छठा क्या है, क्लियर है। तो इसको क्या करना है, वर्क करना है, क्लियर है। दो क्लास लगेगा, आधा आज करा दिए हैं।